हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो सीन्स ये है, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम निकल गए रोड पे, क्योंकि थोड़ा सा इफ्तार तक हम लोग थोड़ा घूमते रहते हैं, तो हम थोड़ा आगे निकल गए। सोचा क्यों ना सी व्यू ही निकल जाए, वहीं जाके हम इफ्तार खोल लें। तो मैं और मेरे दोस्त फराज हम निकल गए सी व्यू के लिए। तो आइए सीन्स आगे की तरफ है। या निजामुद्दीन औलिया, या निजामुद्दीन सरकार, कदम बढ़ा ले हदों को मिटा। आजा खाली पल में पीका घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा। भाई हम सीवीओ जब निकल ही गए तो इफ्तार तो करना ही है, तो इफ्तार का सामान कुछ था ही नहीं हमारे पास। तो हमने सोचा क्यों ना रुक के इफ्तार ले लिया जाए, तो हमने इफ्तार ले लिया वहीं से। तो वहीं निकल गए फिर सीवीओ के। और हम उसके काम पे आए, हमें बताते हैं हम आए हुए सीवीओ। मेरे साथ करने वाला फराज सीवीओ आए हुए तो इफ्तार कर। तो भाई जैसा कि हम लोग आए हुए थे अब बाहर इफ्तार करने के लिए सीवीओ, तो बहुत मुश्किल से हमें सामान मिला और बहुत ट्रैफिक था, और अभी हम इफ्तार खोल रहे हैं। इफ्तार तो मतलब खुल चुकी है, तो बस अभी हम इफ्तार करते हैं। तो इफ्तार के बाद सुबह रमज़ान का, आज 10वां रमज़ान है और 11वां रमज़ान था, और हमने आज इफ्तारी के सीवीओ जैसे कि समंदर के किनारे बैठ के, और बहुत ही शोर सीन था। तो इंशाल्लाह आगे भी आपको बहुत कुछ मिलेगा ऐसी, जब तक फराज मेरे साथ है ऐसे खिलाते रहेगा। तो भाई जैसे कि हम समंदर के पास पहुंच चुके हैं और बहुत ही सुकून मिल रहा है, बहुत ही शोर सीन है। आवाज़ तो मेरी आ नहीं रही आपके पास, और ये समंदर देखे आप और